भारत और बांग्लादेश के बीच 14 नवंबर से होने वाले टेस्ट मैच के लिए दोनों टीमें सोमवार दोपहर इंदौर पहुंची। कड़ी सुरक्षा के बीच बांग्लादेश की टीम एयरपोर्ट के सीधे बस में सवार होकर होटल मैरियट और भारतीय टीम होटल रेडिसन पहुंची। टीम इंडिया के आने को लेकर उत्साहित फैन अपने चहेते क्रिकेटर की एक झलक पाने के लिए एयरपोर्ट और होटल के बाहर घंटों पहले पहुंच गए थे। दोनों टीमों की सुरक्षा में लगी गाड़ियों को पुलिस ने पहले चेक किया और फिर सभी को रवाना किया। दोनों टीमें 12 और 13 नवंबर को अभ्यास सत्र में भाग लेंगी। 12 नवंबर को बांग्लादेश टीम सुबह 9 से 12 बार, भारतीय टीम दोपहर 2 से 5 बजे तक अभ्यास करेगी। 13 नवंबर को भारतीय टीम सुबह और बांग्लादेश टीम दोपहर के सत्र में प्रैक्टिस करेंगी। चूंकि सीरीज का दूसरा मैच 22 नवंबर से कोलकाता में डे नाइट टेस्ट होगा, ऐसे में संभव है कि कुछ खिलाड़ी शाम के समय होलकर स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए आ सकते हैं। भारतीय टीम ने डे नाइट टेस्ट में SG गेंद का इस्तेमाल करने की मांग की है।